हेलो स्टूडेंट्स, एलीट स्टडीज इंदौर के इस पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आप सभी लगातार यह पूछ रहे हैं कि आखिर एमपीपीएससी 2019 का रिवाइज रिजल्ट अभी तक ना आने के पीछे क्या कारण है। इस पॉडकास्ट में सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। आज के अखबारों में भी इसको लेकर कुछ न्यूज है, उस पर भी चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं, एलीट स्टडीज इंदौर प्रिंस सर की कक्षाएं, वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, टेस्ट सीरीज हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में उपलब्ध है। आप सभी अपने मित्रों, दोस्तों, सहपाठियों को जरूर बताएं, साथ ही साथ आप स्वयं भी इनका लाभ उठाएं। 9685705712 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आपको इंक्वायरी करना है। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन, हमारे टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सभी की लिंक्स हैं, फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे ग्रुप्स में सबसे पहले सभी परीक्षाओं की अपडेट्स पाइए। तो देखिए, आज के अखबारों में क्या बताया है आपको बता देते हैं। देखिए, आप सभी को याद होगा कि जब एमपीपीएससी 2019 साक्षात्कार के अभ्यर्थी जो कि क्वालिफाई हुए हैं साक्षात्कार के लिए, वो गए थे आयोग में, सोमवार का दिन था। उसी दिन शाम को जो है माननीय उच्च न्यायालय का आदेश जो है कहना चाहिए आरक्षण पर, जो है एमपीपीएससी 2019 जो परीक्षा है उस पर आरक्षण को लेकर एक फैसला आया था, जिसमें कि रिजल्ट को रिवाइज करने के लिए कहा गया था। उसी दिन मैंने शाम को एक पॉडकास्ट बनाया था और आपको बता दिया था कि अब एमपीपीएससी के लिए रिजल्ट को रिवाइज करना काफी मुश्किल हो जाएगा। कारण यही था कि इसकी जो आखिरी सुनवाई है, फाइनल हियरिंग है, वो 22 आपकी जून को है। अब यहाँ पर एक और डाउट आपको मैं बता दूं कि चूंकि अब हमारे प्रदेश में पंचायत चुनाव शुरू हो गए हैं, होने वाले हैं, तो मुझे नहीं लगता कि 22 जून को, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मेरा अपना विचार है कि 22 जून को आरक्षण पर फाइनल हियरिंग हो पाएगी। कारण यही है कि कहीं ना कहीं इसका नफा नुकसान जो है सरकार को आने वाले जो इलेक्शन से इनमें हो सकता है, तो इसलिए हो सकता है कि इसकी डेट और बढ़ा दी जाए। और आपने देखा ही कि किस प्रकार से पिछले 1-1.5 साल में जो ये हमारा विवादित नियमों को लेकर केस चल रहा था, उसकी डेट पर डेट बढ़ाई जा रही थी। तो अब चूंकि चुनाव है तो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है कि 22 जून को इसकी आखिरी सुनवाई हो जाएगी, लेकिन कुछ भी हो सकता है, देखेंगे। 22 जून तक इंतजार करना पड़ेगा। अगली बात मैं आपको बता दूं कि आज के अखबारों में वही बात जो मैंने आपको आज से करीब 2-3 हफ्ते पहले बता दी थी, वो आज आई है। मैं इसलिए आपको ये चीजें बता देता हूं क्योंकि ये पॉडकास्ट जो आप सुनते हैं, ये बहुत ही आप सभी के लिए कहना चाहिए जो फैक्ट्स हैं, जो जानकारियां हैं, वो ऐसे ही नहीं हम आपको बता देते हैं। आप सभी जानते हैं कि जो पॉडकास्ट में बोला जाता है वो आप सभी को आने वाले समय में कभी माननीय उच्च न्यायालय के माध्यम से, कभी अखबारों के माध्यम से सुनने में, देखने को मिल जाता है। वही आज के अखबारों में लिखा है, कह रहे हैं कि राज्य सेवा परीक्षा 2019 आरक्षण विवाद में उलझी नजर आ रही है। आरक्षण का जो विवाद है, आपका जो विवाद था नियमों को लेकर, वो सुलझ गया है, लेकिन यहाँ पर 2019 में भी 27% आरक्षण। अब आप कुछ भी कह लें, अगर 27% आरक्षण है और अगर इसको 14% किया गया तो यहाँ से भी रिजल्ट रिवाइज होगा, लेकिन इस पर आखिरी सुनवाई होना बाकी है। सरकार को उम्मीद है कि शायद माननीय न्यायालय जो है इसको 27% पर बरकरार कर देगा और परेशानी खत्म हो जाएगी। तो ये तो समय ही बताएगा क्या होगा, लेकिन आरक्षण की वजह से जो है इस पर एमपीपीएससी अभी कोई अपना जो रिवाइज रिजल्ट है एमपीपीएससी 2019 परीक्षा का, वो जारी नहीं कर पा रही है, अखबार कह रहे हैं। आखिरी दौर यानी इंटरव्यू के लिए 1918 अभ्यर्थी चुने गए हैं और वो इंटरव्यू का इंतजार कर रहे हैं। तो इस तरह की जो न्यूज है वो आज के अखबारों में दी गई है। और आप सभी को भी ये समझना होगा कि भले ही विवादित नियम जो है उस पर माननीय न्यायालय का फैसला आ गया है, लेकिन 2019 पर आरक्षण को लेकर जो माननीय न्यायालय का फैसला है उसको एमपीपीएससी नजरअंदाज नहीं कर सकता, इसलिए अभी थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा। देखते हैं क्या होता है। हमारी आपकी सबकी जो निगाहें हैं एमपीपीएससी के फैसले पर रहेंगी। बाकी जहां तक विधिक राय का सवाल है तो वो हो चुकी है, अदर स्टेट्स में सेम केसेस में क्या हुआ है वो सब कुछ उन्होंने देख लिया है। तो निश्चित रूप से
जल्दी ही हम कामना कर रहे हैं, आशा कर रहे हैं कि इन समस्याओं का अंत हो और रिवाइज रिजल्ट जारी हो। यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जिन बच्चों के भी एक प्रश्न दो प्रश्नों से जो है MPPSC 2019 की परीक्षा कहना चाहिए मुख्य परीक्षा में बैठने का अवसर नहीं मिल पाया था, ऐसे अभ्यर्थियों को अलर्ट हो जाना चाहिए। उनको बिल्कुल ये मानकर चलना चाहिए कि उनको मुख्य परीक्षा में शामिल होने का अवसर मिलेगा। कारण यही, अगर हम विवादित नियमों की बात करें तो यहाँ से ओबीसी SC ST के बच्चे अनरिजर्व में जाएंगे, और अगर सीट्स बढ़ाई जाती हैं चूंकि आरक्षण के कारण या फिर जो कुछ बच्चे बाहर हो सकते हैं उनके लिए, तो अगर ऐसा होता है तो उसमें भी फायदा होगा। तो ओवरऑल सभी बच्चों को इसका फायदा होगा और कहीं ना कहीं जो बच्चे एक प्रश्न दो प्रश्न से रह गए थे उनको इसका फायदा होना लाजमी है। तो देखते हैं क्या होता है। फिलहाल बने रहिए एलीट स्टडीज इंदौर के साथ। अपने दोस्तों को, मित्रों को, सहपाठियों को एलीट स्टडीज इंदौर प्रिंसिपल की कक्षाएं, वीडियो लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज जो कि हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में उपलब्ध है उसके बारे में बताएं, क्योंकि आप सभी को पता है एक सफल मार्गदर्शन ही व्यक्ति को सफल बनाता है। मिलते अगले पॉडकास्ट में। धन्यवाद।